नमस्ते दोस्तों, रिवीजन की डेली करंट अफेयर वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। हम लोगों ने पिछले कई दिनों से करंट अफेयर की जो क्लास नहीं ले पा रहे थे और आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहे थे, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अब जो है वो हमारे लगातार जो है वो लगभग लगभग वीडियोस आने लगेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 5 जुलाई 2024 और आज की जो करंट अफेयर की क्वेश्चंस बनती है वो हम लोगों ने आप मिलकर के एक डिस्कस करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का सदस्य का 10वां सदस्य कौन बना है? हु हैज बिकम द 10th मेंबर ऑफ द संघाई कॉर्पोरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपका जो है वो SCO का सदस्य जो बना है वो 10वां सदस्य बना है, वो कौन बना है? तो 10वां सदस्य जो बना है वो संघाई सहयोग संगठन का, वो बना है आपका बेलारूस बना है। पराग्वे के बारे में आप लोग जानते होंगे कि आईएसए मतलब इंटरनेशनल सोलर एलियंस में जो आपका शामिल हुआ है, 100वां सदस्य जो बना है वो आपका पराग्वे बना है। और स्वीडन की बात करते हैं तो स्वीडन जो है आपका नाटो का 32वां सदस्य बना है। मैंने आपको पिछले कई लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि 31वां सदस्य जो बना है वो आपका फिनलैंड बनी है और 32वां जो नाटो का सदस्य जो बना है वो आपका स्वीडन बना है। इथियोपिया जो आपका है वो ब्रिक्स में हाल ही में शामिल हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग जानना है कि संघाई सहयोग संगठन है जिसमें 10वां सदस्य के रूप में जो शामिल हुआ है वो आपका बेलारूस हुआ है। और पराग्वे मैंने आपको बताया नहीं कि पराग्वे जो है वो आपका 100वां सदस्य के रूप में शामिल हो गए, आईएसए में हो गया है। और स्वीडन जो है वो आपका नाटो में 32वां सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। और 31वां मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि 31वां जो है वो आपका फिनलैंड में है, फिनलैंड शामिल हुआ है। और इथियोपिया जो है वो आपका ब्रिक्स का एक सदस्य के रूप में है। अच्छा, संघाई सहयोग संगठन की जो हाल ही में बैठक जो हुई थी वो आपका ये जो एक 24वां बैठक थी, संघाई सहयोग संगठन की 24वां बैठक थी। और ये जो हुई थी वो आपका 4 जुलाई यानी कि कल 4 जुलाई 2024 को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये कजाकिस्तान की राजधानी थी अस्ताना, वहीं पे जो है वो आयोजित किया गया था संघाई सहयोग संगठन का। और संघाई सहयोग संगठन जो 4 जुलाई 2024 को 24वां बैठक हुई थी उसमें राष्ट्राध्यक्ष उसमें शामिल थे और सभी मिलकर ने जो है वो इसमें जो है वो भाग लिए। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई थी, जिसकी राजधानी जो है वो कजाकिस्तान की राजधानी है। और कजाकिस्तान की आप राष्ट्रपति को देख सकते हैं कि कजाकिस्तान के राष्ट्रपति आपका है कासिम जोमार टोकायेब, मतलब कि राष्ट्रपति वहाँ का जो कजाकिस्तान की जो है वो आपका कासिम जोमार्ट टोकायेब है। और यहाँ का जो है वो शिखर बैठक जो इसकी जो है वो मेजबानी कर रही थी, तो काफी अच्छा है। और बेलारूस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जो बोल SCO यानी कि SCO का मतलब आपको बताया गया कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है, यानी कि फुल मेंबर ऑफ SCO के रूप में इसको बेलारूस को जो है वो शामिल कर लिया गया है। तो इतनी बात आपको जानते होंगे। अच्छा, इस सम्मेलन में जो 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 शामिल रहे हैं वो आपका रहे हैं रूस के राष्ट्रपति। तो रूस के राष्ट्रपति के बारे में आप लोग जानते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उज्बेकिस्तान राष्ट्रपति शौकत मिर्जियायोव, ये सब जो है वो जो आपका जो इसमें शामिल रहे संघाई संघाई क्या बोलते हैं संघाई क्या बोलते हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इसमें शामिल हुए हैं, तो काफी अच्छी बात है। अच्छा, संघाई सहयोग संगठन का जो अभी तो 24वां बैठक हुई थी कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई थी, जो कि राजधानी रही है, और उसकी जो है वो बैठक करा रहे थे वहां के राष्ट्रपति थे। कौन थे वहां के राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति वहां के थे कासिम जोमार्ट टोकायेब, याद रखिएगा। और अगला जो इसके बारे में आगे दे देती है कि 25वां बैठक जो होगी वो आपका कहाँ पे होगी? चीन में होगी। अच्छा, चीन के बारे में मैं आपको बताऊं कि चीन की एक शहर है किंग किंग दाओ,
किंग दाओ जो है वो चीन की शहर है, जो कि 2024-25 के लिए जो है वो SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पर्यटक मतलब पर्यटक मतलब कि टूरिज्म एंड कल्चर कल्चरल कैपिटल के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया था चीन के एक शहर जिसका नाम है किंग दाओ नाम है। अब आइए कुछ बातें जान लेते हैं SCI यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मामले में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 2001 में हुई थी, जिसका मतलब होती है शंघाई सहयोग संगठन, एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी, मैंने आपको बता ही दिया। और ये जो काम करती है वो एक सामूहिक देश जो चलाती है उसको क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग को आगे बढ़ाने पर ये जो मतलब इसका जो ध्यान रहती है वही रहती है उस पे जो रहती है। अच्छा, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसकी हेडक्वार्टर आपसे पूछ ली जाती है कि SCO के जो वो जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो आपको मैं बता दूं कि इसकी हेडक्वार्टर बनाई गई है चीन के बीजिंग में बनाई गई है। तो SCO के जो आपका सदस्य देश रहे, मैंने आपको बताया कि सबसे लास्ट में जोड़ा गया है बेलारूस को जोड़ा गया है, लेकिन इससे पहले कई सारे मेंबर्स थे, कजाकिस्तान थे, चीन थे, रूस थे, तजाकिस्तान थे, उज्बेकिस्तान थे, किर्गिस्तान थे, भारत थे, पाकिस्तान, ईरान, और दसवां जो जोड़ा गया है वो आपका बेलारूस जोड़ा गया है। अच्छा, ऑब्जर्वर्स मेंबर के रूप में दो एक्स्ट्रा देश को रखा गया है जो कि आने वाले टाइम पीरियड में इसको भी शामिल कर लिया जाएगा, एक तो मंगोलिया को रखा गया और दूसरा अफगानिस्तान को रखा गया। आप मंगोलिया और अफगानिस्तान के लोकेशन को मैप में देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए, आज के दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हाल ही में संपूर्ण अभियान किसने शुरू किया है। तो हाल ही में संपूर्ण अभियान किसने शुरू किया है, तो वो किया है आपका नीति आयोग के द्वारा किया गया है, नीति आयोग के द्वारा किया गया। अच्छा, यहाँ पे हम ऑप्शन के कुछ डिस्कशन करते हैं कि मेघालय के सरकार के द्वारा जो हाल ही में जो लॉन्च किया गया है बार्टर स्मार्ट किड, यहाँ पे जो है वो लॉन्च किया गया, योजना शुरू किया गया। ये इसलिए जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आजकल के जो लोग हैं जो नल जल योजना के तहत सभी लोगों के पास नल पहुंच गया है, तो इस तरीके से जो है वो कई लोग जो है वो एक एक जग पानी खपत करने की बजाय उसी जगह पर उतने एक जग के काम होने की जगह पर वहां पे आपका जो है वो 10 जग बर्बाद करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो पानी का धीरे धीरे लेवल जो है वो कमता जा रहा है और पानी का जो है वो कोई भी वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए जो है वो मेघालय सरकार ने एक कदम उठाया कि जो भाई पानी धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब जो है वो खत्म हो जाएगी, तो हम लोग को जो है वो कदम जो है वो आज से ही उठाने चाहिए। तो पानी के बचाव के लिए उसकी महत्व को समझने के लिए जो है वो आपका वाटर स्मार्ट किड योजना जो है वो लॉन्च किया गया पीएम नरेंद्र मोदी। अच्छा, पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इन्होंने लॉन्च किया है आपका एक पेड़ माँ के नाम, यानी कि आप देख रहे हैं कि पेड़ की जो बहुत ज्यादा कटाई हो रही है, तो पेड़ अगर कटाई हो जाएगी तो हमारे बारिश नहीं होगी, ठंडी हवा नहीं आएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जो है वो पेड़ को बचाने के लिए मोदी सरकार ने जो एक पेड़ माँ के नाम जो है वो इस तरीके से जो योजना चलाई गई है। उत्तराखंड में जो आपका मैं आपको बता दूं कि पिरुल लाओ इनाम पाओ उत्तराखंड, उत्तराखंड के सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है कि पिरुल लाओ इनाम पाओ, जो जो जंगलों में आग लग जाते हैं तो इस तरीके से जो है वो आग लग जाते हैं तो उसको बुझाने के लिए जो देख रेख होती है, तो इस तरीके से उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है वो ये लॉन्च किया गया है। अच्छा, अब बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग के द्वारा जो है वो संपूर्णता अभियान जो है वो क्या किया गया, शुरू किया गया है। वैसे मैं आपको बताऊं कि नीति आयोग को भारत का एक जो है वो क्या ही बोल सकते हैं, थिंक टैंक बॉडी है, भारत का एक थिंक टैंक बॉडी है। और इसका जो काम होती है वो होती है अब आपका पॉलिसी एंड प्लानिंग को बनाना, इसका जो काम होती है नीति आयोग का जो होती है।
और नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान जो है वो लॉन्च किया है। लॉन्च किया पिछले 4 जुलाई को, इन्होंने 4 जुलाई 2024 को लॉन्च किया है। और इन्होंने ये बोले कि जो वो मैं जो है वो इस प्रोजेक्ट को चलाऊंगा 30 सितंबर 2024 तक, इस प्रोजेक्ट को मैं रन कराऊंगा, कंटिन्यू कराऊंगा। और इसमें जो मेरा जो लक्ष्य रहेगी कि 112 आकांक्षी जिलों, आकांक्षी जिलों का मतलब आप समझ रहे हैं, आकांक्षी जिलों का मतलब होती है कि जिला मतलब कि जो पिछड़े पिछड़े जिले हैं, जो पिछड़ा हुआ जिला है उसको लेकर के, मतलब जो डेवलपमेंट जिला नहीं है, डेवलप्ड जिला नहीं है, डेवलप डिस्ट्रिक्ट नहीं है, उसको जो है वो एक लेवल तक उठा करके ऊपर लाया जाए। और इन्होंने शामिल भी किया है 500 आकांक्षी ब्लॉक्स, जो जो ब्लॉक जो होती है, जो खराब होती है, जो खराब होती है, जो उसको जो है वो रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। तो इस तरीका से जो 500 आकांक्षी ब्लॉक्स को भी इन्होंने शामिल किया है। और छह इंडिकेट्स में ये काम करेंगे बिल्कुल एकदम सती कंटिन्यूटी बना करके। और मैं आपको बताऊं कि छह इंडिकेटर्स जो रहे हैं वो किस किस मामले में ये जो है वो जा कर देखेंगे, किस किस मामले में ये देखेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होती है, प्रेग्नेंट वुमेन्स उसकी परसेंटेज ऑफ वुमेन्स जो है वो क्या उसको बोलते हैं, एंटेनेंटल केयर के रूप में उसको देखभाल करेंगे। जैसे बीपी लो हो जाती है, हाई हो जाती है, इसके मामले में लोगों को जांच करना, उसके बारे में प्रतिशत रिपोर्ट पेश करना, मृदा स्वास्थ्य कार्डों का प्रतिशत ये शामिल, मतलब इस तरीके से जो है वो लोगों को ये देखभाल में ये जो है वो सहयोग करेंगे। और 6 इंडिकेटर जो है वो इन्होंने लॉन्च किया है। अच्छा, नीति आयोग के बारे में मैं आपको बताऊं कि नीति आयोग जो मैंने आपको बताया कि जो इंडिकेट जो होते हैं, आकांक्षी जिले जो होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्पिरेशनल एस्पिरेशनल ब्लॉक्स कहते हैं, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉक्स को हम लोग कहते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक्स कहते हैं। तो नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों का कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वो 2018 में इन्होंने शुरू किया था, और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स को इन्होंने शामिल करने के लिए जो शुरू किया था वो 2023 में इन्होंने शुरू किया। अच्छा, अब इतनी बात जान गए, अब नीति आयोग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि नीति का फुल फॉर्म क्या होती है। तो नीति का फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होती है। नीति का मतलब होती है भारत सरकार का एक प्रमुख नीति से संबंधित यही एक चीज है जो रन करती है, जिसको कहा जाता है थिंक टैंक बॉडी। मैंने आपको बताया दिया कि ये थिंक टैंक बॉडी है जो आपका जो पॉलिसी एंड प्लानिंग के तहत जो ये वो काम करती है। इसकी जो गठन की गई थी, नीति आयोग की गठन की गई थी, हालांकि मैं आपको बताऊं कि नीति आयोग जो था वो 1 जनवरी 2015 को ये किया गया था, गठन किया गया था, लेकिन इससे पहले क्या ये नहीं थी, बिल्कुल थी। नीति आयोग इससे पहले जो थी वो आयोजना आयोग था, और ये वो जो डिसीजन लिया करता था, मतलब कि टारगेट को पूरा रखने की जो टाइम पीरियड रखता था वो 5 साल लगाता था। लेकिन नीति आयोग को उसके बाद जो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया, कि जो मतलब नीति आयोग कहने का मतलब है कि जो सामने चीज है उसको, टारगेट को उसको पूरा करने पर पूरी तरह से फोकस किया जाए, तो इसलिए नीति आयोग को बना दिया गया। और इसका जो टारगेट रहती है मेनली ओनली जो टारगेट रहती है वो रहती है कि जो टारगेट रहती है कि 1 साल में इस मतलब सामने जो चीज दिख रही है उसको पूरा करने का इसका रहती है। नीति आयोग के बारे में कुछ और बातें हैं, जैसे कि उसकी अध्यक्ष जो रहती है वो भारत के प्रधानमंत्री, मतलब जिस देश में रहती है उसकी प्रधानमंत्री को बनाई जाती है। और उपाध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है वो आपका सुमन वेरी है, आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष जो है वो आपका सुमन वेरी है, और इसका CEO जो है वो आपका वी वी आर सुब्रमण्यम है। नीति आयोग भारत नवाचार सूचकांक जारी करता है, यानी कि इंडेक्स रिपोर्ट करता है। नीति आयोग के जो निदेशक यानी कि डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं वो आशीष कुमार दास किए गए हैं, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष को आप सामने देख सकते हैं अरविंद कुमार है। नीति आयोग जब से बनाई गई है तो उन्होंने जो अपने रिपोर्ट पेश किए तो पिछले 9 वर्ष में उन्होंने 24.8 करोड़ से अधिक भारत के वो लोगों को गरीबी से बाहर करने के काम किया गया है। और नीति आयोग के
निर्यात तैयारी सूचकांक, यानी कि आप कह सकते हैं कि आप एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट रेडनेस इंडेक्स 2022 में जो है वो ये रिपोर्ट पेश किया गया था, उसमें जो शीर्ष स्थान पर जो रहा था वो आपका कौन रहा था, तो वो आपका रहा था तमिलनाडु रहा था। तो इसके बारे में हम लोग इतनी बातें जान लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हथियार प्रणाली स्कूल जिसको हम लोग कहते हैं WSAS का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो वो आपका किया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया गया है। अमरावती, अमरावती जो है वो आपका आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई है, जहाँ का जो CM है वो आपका चंद्रबाबू नायडू जी हैं। तो ये भी आपको याद रखनी है। मणिपुर के बारे में आपको बताऊं तो मणिपुर में आपका जो अभी आप सुने होंगे कि वहां पे जो है वो कुकी समुदाय के बीच में जो है वो वायलेंस देखने को मिल रहा, तो वहाँ का जो बच्चे जो है वो मतलब स्टूडेंट जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल उनको हो रही है, और उनको ऐसा बोला जा रहा है कि उनको जो है वो टेंट में रहना पड़ रहा है, और मतलब उसको पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो उसको भेजने के लिए जो है वो एक ट्रकों में भरकर बसों में भर कर के उनको भेजा जा रहा है पढ़ाई के लिए। तो मणिपुर के सरकार ने गवर्नमेंट ने वहाँ पे जो लॉन्च किया गया है, योजना लॉन्च किया गया है स्कूल ऑन व्हील्स करके जो है वो शुरू किया गया है। भोपाल, भोपाल के बारे में आप लोगों ने जानते होगा कि वहाँ पे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन शुरू किया गया है, पिछले साल शुरू किया गया था, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू किया गया था। अच्छा, आई थी भारतीय वायुसेना के बारे में, तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख जो रहे हैं वो आपका रहे विवेक राम चौधरी ने। हैदराबाद में नव स्थापित हथियार प्रणाली स्कूल का इन्होंने उद्घाटन किए हैं, और इसलिए उद्घाटन किए, मैं आपको बता दूं कि ये जो हैदराबाद में बेगमपेट वायुसेना स्टेशन में एक नया हथियार प्रणाली स्कूल स्थापित किया गया, और इसका जो उद्देश्य जो रहा है वो आपका उद्देश्य रहा है कि भारतीय वायुसेना को भविष्य के लिए जो है वो तैयार करना, भविष्य के लिए एक जो है वो बड़ा इतिहास रचना। भारतीय वायुसेना में जो जो नया परीक्षण अभी जो किया है, सफल परीक्षण जो किया है वो आपका आगरा में पोर्टेबल हॉस्पिटल, जिसमें आपके सारे फैसिलिटीज दिया जाएंगे। वायुसेना का जो मुख्यालय है वो आपका न्यू दिल्ली है, और जहाँ का जो डायरेक्टर यानी कि डायरेक्टर जनरल आपका है वो है एयर मार्शल मकरंद रानाडे, जहाँ के जो है वो महानिदेशक है। तो यहाँ तक हमारे कंप्लीट होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस राज्य में जीका वायरस के मामले के बाद एडवाइजरी जारी की है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो आपका है JP नड्डा जी, उन्होंने जीका वायरस के सिम्टम्स कुछ देखते हुए जो महाराष्ट्र को जो है वो एडवाइजरी दे दी है कि वहाँ पे जो है वो कुछ लोगों को देखने को मिला है कि जीका वायरस जो है वहाँ पे पनप रही है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश सरकार ने आज से पहले जो है वो वहां के जो निताय हुआ करते थे उनकी जो है वो इनकम टैक्स भरा करते थे, लेकिन अब जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि वहां के जो निताय हैं, यहाँ का जो है आपका विधायक है, वो अपना इनकम टैक्स खुद जो है वो भरेंगे। पंजाब के मामले में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है वो मिशन मिशन निश्चय शुरू किया गया है, जहाँ पे जो है वो आपका ड्रग्स की बहुत ज्यादा जो है वो सेवन किया जा रहा था, तो उस सेवन को जो है वो रोकने के लिए यहाँ पे मिशन निश्चय शुरू किया गया। आइए जानते हैं जीका वायरस के मामले में। जीका वायरस महाराष्ट्र में एक मामला देखने को मिला है, जिसके बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा जी ने जीका वायरस पर नजर रखने के लिए वहां के जो गवर्नमेंट है वहां के गवर्नमेंट को अनाउंसमेंट की है कि आप जो है वो इसके ऊपर नजर रखिए। जीका वायरस अगर ज्यादा तो नहीं फैलती है, लेकिन अगर बाय द वे अगर कुछ ज्यादा अगर हो जाती है तो फिर कंट्रोल करना फिर कोरोना वायरस की तरह मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको जो है वो क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो आपका JP नड्डा जी है, जो महाराष्ट्र सरकार को एडवाइजरी दे दी है।
तो इसके मामले में और भी कुछ बातें बोले, जैसे बोला है कि जो जीका वायरस जो है वो सबसे ज्यादा लोगों को इन्फेक्टेड कर रही है, उनमें से लोग जो है वो आपका गर्भवती महिला है जिनको जीका वायरस जो है वो संक्रमण कर देती है। जीका वायरस आइए कुछ जानते हैं जीका वायरस के मामले में। जीका वायरस जो होती है वो एक मच्छर के काटने से होती है, ऐसा बोला जाता है कि जो एडीज मच्छर जो है वो एडीज मच्छर के द्वारा जो है वो फैलाया जाता है, और इसके द्वारा जो है फैलाया जा रहा है, और अगर वो काटती है तो उसके सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको हल्का बुखार है या तो फिर त्वचा पर लाल तरह के चकत्ता टाइप के अगर कुछ हो चुका है, या तो फिर सिर दर्द में कुछ मांसपेशियों में कुछ दर्द हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रही है, पलक के नीचे जो है वो सूजन टाइप के अगर हो रही है, तो ये जीका वायरस के कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, तो इन्होंने कहा है। जीका वायरस के मामले में मैं आपको बताऊं तो ये एक मच्छर को काटने से होती है। वैसे वैसे अगर आप देखा जाए तो जो हर एक जो रोग है, हर एक जो बीमारी आजकल जो फैल रही है वो मच्छर के काटने से ही फैला जा रहा है। जैसे आपका कोरोना वायरस तो ठीक है, लेकिन आप जैसे पीला बुखार हो गया, आपका मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सब जो है वो मच्छर को काटने से जो होती है। तो आप जो है वो कहने का मतलब ये है कि आप जो है वो थोड़ी सी अपनी जगह को क्लीन बना करके रखिए, ताकि जो है वो मच्छर से मतलब काफी दूर हो सके। वैसे मच्छर तो आपको ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहाँ ऐसा कोई जगह जहां पे मच्छर नहीं है। जीका वायरस के हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो जीका वायरस जो है युगांडा का एक जंगल हुआ करता था जिसका नाम था जीका जंगल। तो ऐसा बोला जाता है कि जीका वायरस जो है वो वहीं से उत्पन्न हुआ है, और इसका नाम जो है वो जीका वायरस उसी के नाम पर, जीका जंगल के नाम पर दिया गया है। ऐसे आप जानना चाहेंगे तो 1992 में युगांडा और तंजानिया के जो लोग थे वहां पे सबसे पहली बार इंसानों में जो है वो इस मामले में जीका वायरस के मामले में दिख को मिला था। 1992 की मैं बात करूं, 1952 के युगांडा और तंजानिया के बीच में। अच्छा, इसका जो आप परीक्षण केंद्र की बात करते तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान जो संस्थान रहे हैं वो आपका पुणे में रहे हैं NIV, और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि NCDC यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो आपका खुला है वो आपका दिल्ली में उपलब्ध है। ये दो जगह उपलब्ध है और वहां पे जो आप टेस्टिंग करवा सकते हैं। आइए कुछ और बातें करते हैं। जैसे WHO ने कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन नेटवर्क जो लॉन्च किया गया था, तो वो किया गया था कोविनेट लॉन्च किया गया था। और कोरोना के बारे में ये बोला जाता था कि कोरोना वायरस जो है वो आपका चीन के शहर वुहान से साल 2019 में ये शुरू हुआ था। दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन जो शुरू किया गया था वो आया था, वो आपका 21 चिक आया था। और भारत की पहली पहली स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जो शुरू हुआ था आया था वो आपका EVCO आया था। और मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली बार जो है वो दुनिया में सबसे पहली बार टेस्टिंग जो सफल मलेरिया के मामले में जो आया था वैक्सीन वो आया था R21 एमट्रिक्स आया था। अच्छा, कुछ प्रश्न को आपको जवाब देनी है नीचे कमेंट बॉक्स में। शाहनामा किसकी कृति है, और भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था, और वेटिंग ब्लॉक मैंने आपको बताया था कि वेटिंग ब्लॉक शताब्दी किस खेल से संबंधित है। तो कुछ बातें आपको जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में देनी है और अपने हाथों से टाइपिंग करके लिख। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि आप कह सकते हैं कि जो नेशनल नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो उसकी अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो BN गंगाधर को बनाया गया, शशि भूषण सिंह को बनाया गया है, आपका जूट बोर्ड के सिक्योरिटी के रूप में बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम खानविलकर ये जो है वो आपका लोकपाल है, जैसे आप बोल सकते हैं ओम बैट्समैन ये रहे हैं। विनय कुमार जो आपका है वो भारत के राजदूत हैं, आप कह सकते हैं ये रशिया में मौजूद हैं। और BN गंगाधर मैंने आपको बताया कि ये जो है वो BN गंगाधर जो है वो आपका जो आपका है वो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है इनकी। और इनके अलावा जो है वो आपका संजय कुमार
संजय बिहारी को मेडिकल मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इनको अपॉइंटमेंट की गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष, मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 25 सितंबर 2020 को की गई थी, जिसकी मुख्यालय न्यू दिल्ली में बनाई गई है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो मंत्रालय जो आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो आते हैं, वो आपका इसी के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अंतर्गत ही आते हैं आपका। कौन आते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो आते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में 33 सदस्य पूरे के पूरे होते हैं, और जिसमें जो आपका होती है वो 10 पदेन सदस्य होते हैं, और 22 जो होती है वो आपका अंशकालिक सदस्य होते हैं। 22 अंशकालिक सदस्य का मतलब होती है कि ये जो होते हैं वो एक पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। स्वास्थ्य और एवं परिवार कल्याण मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो आपका JP नड्डा जी है, जिनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। अब जो है वो यहाँ पे आती है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपका रेखा शर्मा है, जो कि 9वें नंबर के हैं। कर्मचारी चयन आयोग SSC के जो अध्यक्ष जो है वो आपका रंजन है। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, जो सरकारी मामलों में जो आपका जो वेतन बढ़ाने, डिक्रीज और इंक्रीज करने की जो मामला आती है वो आपका है अशोक कुमार है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष बनाया गया रघुनाथ कुमार को बनाया गया है। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जो बनाया गया है वो आपका प्रियंका कौनकौन को बनाया गया है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि ICC T20 में नंबर 1 स्थान पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या के बारे में तो आपको बताने की कोई जरूरत है ही नहीं कि हार्दिक पांड्या ने ICC T20 इंटरनेशनल में नंबर 1 स्थान पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर बन गए हैं। हार्दिक पांड्या इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस इनकी देखा गया है कि ये इनकी तुलना जो की जाती है श्रीलंका के कप्तान वानिंदु हसरंगा से, हसरंगा के स्थान पर ये नंबर 1 पर आ गए हैं। स्पोर्ट्स के मामले में कुछ बातें और भी जान लेते हैं। 15वीं बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीता है वो आपका रियल मैड्रिड ने जीता है। आपका एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बनी है वो आपका बनी है दीपा कर्माकर बनी है। 13वीं यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 में जो भारत ने 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दीपा सोरेन को हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार दिया गया है। रश्मि कुमारी ने राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है। विदर्भ को हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 जीती है। नॉलेज की फैक्ट्री में मैं आपको जो डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ वो झील के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। आपका डल झील, बूलर झील, वैरी नाग झील, मानस झील, ये सब जितने भी झील है वो आपका जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील, शेष नाग झील, अनंत नाग झील, ये सब जम्मू कश्मीर में मौजूद है। राजसमंद झील और आपका पिछौला झील, ये सब राजस्थान में, और ये सब जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग झील, शेषनाग झील और नागिन झील, ये सब जम्मू कश्मीर में है। तो ये सब झील के बारे में हम लोग जो है वो आगे बाद में बात करेंगे, और भी बहुत सारा झील है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सीनियर एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया किसको? निकुंज श्रीवास्तव को किया गया। टी राजा कुमार को आपका FTF के जो है वो मैनेजर नियुक्त किया गया है। और आपका क्रिस्टालिना जॉर्जिया को जो है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग के रूप में जो है वो इनको नियुक्त किया गया है। गीता गोपीनाथन की जो संबंध रहा है वो आपका इकोनॉमी से रहा, जो कि IMF के सबसे पहली उप प्रबंधक के रूप में इन्होंने काम किए हैं। आपको मैं आपको बताया कि केंद्र सरकार ने निकुंज श्रीवास्तव को वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सीनियर एडवाइजर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। उन्होंने गुजरात के कैडर के IAS अधिकारी राजीव टोपनो
राजीव टोपनो की जगह पर नियुक्त किया गया है। परमेश्वर अय्यर विश्व बैंक समूह में बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका को प्रतिनिधित्व करते हुए करने वाले कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है वो कार्यरत ये है। विश्व बैंक के मामले में जान लेते हैं, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी, यानी कि 3 साल पहले, आजादी से 3 साल पहले। और इसकी जो मुख्यालय हेडक्वार्टर जो बनाई गई थी वॉशिंगटन डीसी में बनाई गई थी, जिसमें सदस्य जो है वो 189 हैं। और इसकी संस्थापक मानी जाती है जॉन मेनार्ड किन्स को और हैरी डेक्सटर वाइट को। इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो आपका अजय बंगा है और प्रबंधक निदेशक आपका है एक्सल वैन ट्रॉन्स सेन वर्ग है। और प्रबंध निदेशक एवं सीईओ जो है वो आपका अंशुला कांत है। मुख्य अर्थशास्त्री आपका है इंदरमीत गिल है। कौन है? इंदरमीत गिल है, तो इसको याद रखिएगा आप। स्मृति विश्वास, स्मृति विश्वास का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो स्मृति विश्वास जो थे वो एक एक्टर थी, जिनकी जो 100 बरस के एज में इनकी निधन हो गई है। आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं, आपका एक्ट्रेस जो है वो आपका स्मृति विश्वास का जो है वो आपका नासिक में निधन हो गया है। और ये 100 साल की उम्र में इन्होंने आखिरी सांस लिया है और 100 साल के बाद इनकी डेथ हो गई। आप देख सकते हैं, लोग जो जब जवान रहते हैं, जब जो उनकी 16-17 की एज रहती है, तब उनके बारे में कोई भी एक उनके हित में कोई भी बात करते हैं, तो उनकी एज में जब रहती है, टीनेज में रहती है, तब उनको बोला जाता है उनके मम्मी पापे की द्वारा कि आप इस लाइन पे नहीं जाइए। तब जो है वो उनको ये लगता है कि मेरे मम्मी पापा पता ना मेरे 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 जिंदगी के पता ना इतना खिलाफ क्यों है। जब उनकी एक उम्र रहती है, जब उनकी खूबसूरती का गुरूर रहती है, उनकी धन की गुरूर रहती है, तब उनको ये लगता है कि दुनिया जो है वो मेरे अपोजिट क्यों है, दुनिया मेरे अगेंस्ट है, ये लगती है। लेकिन यहाँ से लेकर के जाना कुछ नहीं है दोस्त, बस आपके द्वारा किए गए जो आपका कृति है वही यहाँ पे रहती है। जब जब उनकी जवानी रहती है, तब उनके बारे में कोई हित में अगर बात करती है, तो उनको लगता है कि दुनिया मेरे अगेंस्ट है, इस तरीके से लगती है। तो आप देख सकते हैं कि स्मृति विश्वास जो आप देख सकते हैं कि 1930 से 1960 के दशक में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस के लिस्ट में यह रही है। और स्मृति ने 10 साल की उम्र में बंगाली फिल्म संध्या में चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में डेब्यू किया था। तो आइए बात निधन की बात आइए तो निधन की बात हम लोग जान लेते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी और कम्युनिस्ट नेता जो एन एन शंकर रैया की हाल ही में निधन हो गया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, अभी चुनाव आयुक्त जो है वो आपका है राजीव कुमार है, लेकिन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो रहे हैं वो आपका एम एस गिल रहे हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक आपका है एम एस स्वामीनाथन रहे हैं। तो एम एस स्वामीनाथन अब हमारे बीच में नहीं है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो आपका हुआ है किसको प्राप्त हुआ है? तो आपका पी गीता को हुआ है। आगे ऑप्शंस को भी डिस्कशन कर लेते हैं कि आपका ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा को आपका चमेली देवी पुरस्कार दिया गया, जो कि थर्ड पर्सन को दिया जाता है। और डॉक्टर प्रदीप महाजन को आपका महाराष्ट्र आभूषण से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बीना मोदी, डॉक्टर बीना मोदी को मैं आपको बताऊं कि बिजनेस वुमेन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन इसके बारे में हम जान लेते हैं पी गीता के मामले में कि लेखिका, आलोचक और नारीवादी कार्यकर्ता पी गीता को पहला 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 के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार विंग्स वुमन इंटरनेशनल्स एंड ग्रोथ थ्रू स्पोर्ट केरल द्वारा प्रदान किया गया था। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार साहित्य और सामाजिक विमर्श में नारीवादी योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। और आन आन ठचुकन आन ठचुकल पी गीता की ये जो है वो रचना है। आइए बात करते हैं कुछ पुरस्कार के, जैसे मिस यूनिवर्स 2023 में जो मिला है वो आपका मिला है निकारगुआ की सेनिस पलासियो को मिला है। 2023 में जेसीबी पुरस्कार जेसीबी जो पुरस्कार मिला है वो आपका फेरुमल मुरुगन को मिला है। और UNHCR नॉन सेन शरणार्थी पुरस्कार जो मिला है वो आपका अब्दुल्लाही मायर को मिला है।
तो ये जो है वो आपको याद रखना, जहां से आपके क्वेश्चन जो है वो बनती है। आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है, 15वां ट्वाई बी इंटरनेशनल V2V एक्सपो 2024 अंतरराष्ट्रीय खिलौना मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो वो किया जाएगा आपका न्यू दिल्ली में। अगरतला की बात करते हैं तो अगरतला में, मैं आपको बताऊं कि अगरतला में दीप कला मेला जो है वो लगाया जाएगा, जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। बीकानेर में जो है वो ऊंट मेला लगाया जा रहा लगता है। और आपका झारखंड की बात करते हैं तो सबरी मेला लगती है, रबड़ी मेला जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, रबड़ी मेला। न्यू दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली में आपका 6 जुलाई से 15वां ट्वाई बीच इंटरनेशनल B2B एक्सपो 2024 अंतरराष्ट्रीय खिलौना मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में 300 से अधिक घरेलू कंपनियां जो होती है डोमेस्टिक कंपनी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें शामिल होंगे। 2024 में प्रमुख मेले जो लगाए गए, जैसे बेंगलुरु में आपका राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 में लगेगा, झारखंड में चाई वासा में आपका रहेगा राष्ट्रीय डेयरी मेला 2024 में, और न्यू दिल्ली में आपका वैश्विक नीम व्यापार मेला लगेगा। न्यू दिल्ली में आपका अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला लगेगा। और यहाँ पे न्यू दिल्ली में की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली में आपका 20वां पुस्तक मेला 2023 में लगा था। तो यहाँ पे हमारे जो है वो यहाँ पे सारे के सारे एंड होती है। और बाकी मैं आपको कल से थोड़ा सा और भी आगे चीजों को बताने की कोशिश करूंगा। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।